हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मर्शास कुकिंग किचन में। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी लोग ठीक होंगे और सभी लोग मस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि चाय कैसे बनाई जाती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी, तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो चाय बनाने के लिए पहले मैं यहाँ पर गैस को ऑन कर लेती हूँ। अब मैं इसके ऊपर पतीला रख देती हूँ। दोस्तों, यहाँ पर मैं दूध का चाय बना रही हूँ। आप नॉर्मली अगर काला चाय बनाते रहते हैं तो उसमें दूध ना ही डाले। कोई नहीं, हमारा जो पतीला है वो गर्म हो गया था ज़्यादा, इसीलिए ये ऐसे साउंड किया है। तो यहाँ पे मैं 4 कप बना रही हूँ, तो 4 कप के लिए मैं यहाँ पे 2 ग्लास दूध डाल दूँगी। ये देखिए, टोटल मैंने यहाँ पे 2 ग्लास जो है वो दूध डाल दिया है इसके अंदर। तो अब मैं यहाँ पर उसी ग्लास से 2 ग्लास पानी डाल देती हूँ। अच्छे से पहले इसको गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो दूध है वो हल्की सी गर्म हो गई है। अब मैं इसके अंदर कद्दूकस किया हुआ अदरक डाल देती हूँ। अदरक हम इसमें पहले डाल रहे हैं क्योंकि जो अदरक का जो टेस्ट है वो जब दूध उबल जाएगा तो उसका टेस्ट भी इसके साथ अच्छे से खुल जाए और जो अदरक का टेस्ट है वो और खिल के चाय के अंदर आ जाए। तो अब मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि चीनी कितनी कप डालनी है यहाँ पे। दोस्तों, अक्सर आपको कहीं कहीं बताते होंगे कि चीनी अगर, मतलब आप 4 ग्लास दूध बना रहे तो उसमें 3 कप है उसमें चीनी डाल दो। अगर आप 5 ग्लास बना रहे हो तो उसमें 4 ग्लास जो चीनी डाल दो। पर आपको कैसे करना है कि अगर आप 4 ग्लास यूज़ कर रहे हैं, अभी दूध 4 ग्लास अभी दूध बनेगा इसमें, मतलब चाय बनेगी, तो उसमें आप डालोगे इसके अंदर 5 कप चीनी, यानी कि 1.5 कप 60 ml इसमें आप चीनी डाल दोगे। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा। तो इसके अंदर अब मैं 1 टीस्पून चाय पत्ती डाल दे रही हूँ। दूध का चाय बना रहे हैं ना, तो उसमें चाय पत्ती तो ज़्यादा यूज़ होनी ही होनी है। दूध की चाय पत्ती में कलर आने के लिए ढेर सारा इसमें जो चाय पत्ती हमें डालनी पड़ती है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा इलायची का बीज डाल देती हूँ ताकि थोड़ा टेस्ट जो है वो ज़्यादा आ जाए इसके अंदर। गैस को मैं यहाँ पर बिल्कुल मीडियम फ्लेम में रख दूँगी क्योंकि जो दूध है वो उबल ना जाए। ठीक है, ये देखिए चाय में अब धीरे धीरे जो उबाल है वो आना शुरू हो गया है। बीच में ना आप इसको फूंक पे मारते जाए वरना ये उबल के सारा नीचे गिर देगा और गैस भी वो पूरा गंदा हो जाएगा। यहाँ पे हमारी चाय बनके रेडी हो गई है। गैस को हम यहाँ पे बंद कर लेते हैं। तो चलिए अब हम चाय को सर्व कर देते हैं ग्लासेस में। और ये देखिए कलर भी इसमें वैसे ही आया है जैसे बाहर टपरी में अगर चाय पीने जाते ना, बिल्कुल वैसा ही आया है कलर इसका। देखिए, कितना इजी था इस चाय को बनाना आप देख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा। फ्रेंड्स, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और रिलेटिव्स के साथ में। मिलते हैं और अच्छी न्यू रेसिपी के साथ में, पर तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही आए। तो चलिए फिर मिलते हैं और अच्छी न्यू रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए खाते रहे और मस्त रहे। धन्यवाद गाइस, बाय बाय।